अब हम आ चुके हैं जोधाबाई के महल के अंदर। ये जोधाबाई का किचन हुआ करता था। बीच में यहाँ पर तानसेन बैठ कर के गायन किया करते थे। तो अकबर की जितनी भी बनवाई हुई इमारतें हैं वहाँ पर हिंदू, जैन, पारसी ये सारे ही स्थापत्य कला के नमूने मौजूद हैं। इसे कहा जाता है कि ये अस्तबल रहा होगा, यहाँ पर घोड़े बांधे जाते रहे होंगे। तो ये स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इन जालियों से एयर ठंडी होकर के अंदर जाती थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। इस समय मैं हूँ फतेहपुर सीकरी में और फतेहपुर सीकरी की हमारी ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा होगा मैंने आपको दुनिया का सबसे ऊँचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा दिखाया था, जिसे अकबर ने सन 1671 ईस्वी में बनवाया था जब उन्होंने गुजरात पर फतह प्राप्त करी थी। और इस वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पर अकबर का महल और जोधाबाई का महल, उनकी रसोई और कहाँ पर तानसेन बैठ कर के अपना गायन किया करते थे, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ और इधर आप देख सकते हैं तमाम सारी इमारतें बनी हुई हैं। कौन सी इमारत क्या है ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर स्थित ये सारे महल देखने के लिए आपको 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेज करते हैं तो आप ASI की साइट से टिकट परचेज कर सकते हैं और वो टिकट आपको 45 रुपये की पड़ेगी। और ये आप जो इमारत देख रहे हैं ये है दीवानी खास। यहाँ पर सम्राट अकबर बैठ करके अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे, तो सीक्रेट मीटिंग होती थी वो इसी में किया करते थे। ये बिल्डिंग बाहर से देखने पर आपको 2 मंजिला दिखाई देगी, लेकिन अंदर जब आप जाएंगे तो ये बिल्डिंग 1 मंजिला है, यानी कि ये 2 मंजिला बाहर से ही सिर्फ दिखाई देती है। और ऊपर आप देख सकते हैं इसमें गुंबद बने हुए हैं, छतरियां बनी हुई हैं और इसके अंदर एक स्तंभ है जिसमें बहुत ही बेहतरीन कारीगरी है। उसको आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि कितनी खूबसूरती से पत्थरों को तराश करके बनाया गया है। इस बिल्डिंग का नाम है दीवानी खास और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। और ये आप देखो जालियाँ किस तरह से जालियों को काट करके बनाया गया है और इसके छज्जे का डिज़ाइन आप देखो यहाँ पर। अब हम इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवानी खास के अंदर ये स्तंभ है और इस स्तंभ को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। और इसमें बताते हैं कि बीच में बादशाह अकबर बैठा करते थे और किनारे उनके जो मंत्री हुआ करते थे, उनके जो नौरत्न हुआ करते थे वो लोग बैठते थे। ये इमारत बाहर से 2 मंजिला दिखती है लेकिन अंदर आप देख सकते हैं ये 1 मंजिला इमारत है। और इस पर जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं पारसियन, इस्लामिक और हिंदू सारी ही डिज़ाइनें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। ऊपर आप देखेंगे और यहाँ पर नीचे कमल के फूल बने हुए हैं, ऊपर ये पारसियन डिज़ाइन है, नीचे कमल के फूल जो हिंदू कला शैली को दर्शाते हैं। और ये नीचे आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। ये जो पिलर आप देख रहे हैं इसके ऊपर बादशाह अकबर बैठा करते थे और यहाँ ऊपर जाने के लिए इधर से रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा लगा हुआ है, गेट बंद है और इसे इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि अगर टूरिस्ट ऊपर जाएंगे तो लोड बढ़ेगा, हो सकता है ये इमारत को कोई नुकसान हो, इसलिए एहतियातन ऊपर के रास्ते को बंद कर दिया गया। और एक गेट आप वहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर बीच में जाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीम है और एक बीम ये है यहाँ पर और एक ये और इसकी दूसरी तरफ एक बीम है, तो 4 बीम यहाँ पर हैं। इसके बीच में जाने के लिए चारों तरफ से रास्ता है। बाहर से देखने पर ये दीवानी खास इमारत कुछ इस तरह की दिखती है और इसी इमारत के बगल में है ये खजाने की छतरी। और ये आप देख सकते हैं ये जैन मंदिरों में जो स्थापत्य कला शैली है उससे प्रभावित है। तो
तो अकबर की जितनी भी बनवाई हुई इमारतें हैं वहाँ पर हिंदू, जैन, पारसी ये सारे ही स्थापत्य कला के नमूने मौजूद हैं। और यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये खजाना यहाँ पर रखा जाता था, तो उसके निकट होने के कारण यहाँ पर शाही खजानची बैठता रहा होगा। और इनमें जो नक्काशी है ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, आप देख सकते हो इसको। और कहते हैं कि यहाँ पर ज्योतिषी के बैठने का स्थान भी है, तो ये या तो ज्योतिषी के बैठने का स्थान रहा होगा या फिर शाही खजानची यहाँ पर बैठते रहे होंगे। इस पूरे आंगन के बीच में यहाँ पर आप ये जो कुर्सी बनी हुई देख पा रहे हैं जो कि पत्थर की बनी हुई है, इस पर कभी जलालुद्दीन अकबर बैठा करते थे। और नीचे आप देख सकते हैं ये चौसर बनी हुई है, जैसे हम लोग शतरंज खेलते हैं उसमें गोटियाँ बिछते हैं, तो उस समय जब जलालुद्दीन अकबर यहाँ पर ये चौसर खेला करते थे, पासा चलते थे, तो यहाँ पर गोटियों की जगह पर दासियाँ खड़ी होती थी और दासियाँ एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाया करती थी। तो जिस तरह से हम लोग पासा चलते हैं उसी तरह से वो लोग पासा चलते थे, लेकिन यहाँ पर गोटियाँ नहीं होती थी बल्कि दासियाँ होती थी। और ये आप देख सकते हैं बीच में ये कुर्सी है जिस पर जलालुद्दीन अकबर बैठा करते थे। इधर आप ये जो पाउंड देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से जाने के लिए यहाँ पर रास्ता है, उधर से भी जाने का रास्ता है और इसके दूसरी साइड से यानी कि इसके पीछे से जाने का रास्ता है, इधर से भी जाने का रास्ता है और उधर से भी इसके बीच में जाने का रास्ता है। बीच में यहाँ पर तानसेन बैठ करके गायन किया करते थे। जब वो राग मल्हार गाते थे तो इस पाउंड के अंदर उस समय पानी नहीं बल्कि गुलाब जल भरा जाता था और गुलाब जल की खुशबू आती थी और उस पानी से उनके उनका जो सितार होता था उसकी तरंगे टकरा करके यहाँ पर गूंजती थी और सम्राट अकबर उन्हें बैठ करके सुनते थे। तालाब का नाम है अनूप तालाब और यहाँ पर ये लकड़ी की ये चारों तरफ से बाउंड्री बाद में लगा दी गई है ताकि कोई इस तालाब तक न जाए, इसके पानी से कोई खिलवाड़ न करे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है शीश महल और इसमें आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी है इसकी दीवारों पर, इसकी जालियों पर। और इसके अंदर बताते हैं कि उस समय हीरे जवाहरात लगे हुआ करते थे, अंदर जो ये अलमारियाँ बनी हुई हैं इनमें शीशे लगे होते थे, इन अलमारियों के अंदर शीशे लगे होते थे और रानी यहाँ पर श्रृंगार किया करती थी। और ऊपर की आप छत देखो कितनी बेहतरीन, कितनी गजब की नक्काशी करके इसको बनाया गया है। और इनमें यहाँ पर ये जो छोटे छोटे फूल बने हुए हैं आप देख सकते हो कि फूलों के बीच में यहाँ पर हीरे और जवाहरात लगे होते थे जिन्हें बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने निकाल लिया। और यहाँ पर आप ये जो पक्षी बने हुए दिख रहे हैं आपको नीचे, तो इनके सर नहीं हैं और बताते हैं कि इनमें भी बहुमूल्य पत्थर लगे थे, तो उनको काटने के वो पत्थर निकालने की वजह से इनका सर भी टूट गया। और इधर आप देखो कितनी बेहतरीन सुंदर ये फूल पत्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ये देखो बेहतरीन इमारत ये आप देख सकते हैं, ये है शीश महल। शीश महल के बाहर की छत कुछ इस तरह से बनाई गई है आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखो किस तरह से बलुआ पत्थर को काट करके गजब की नक्काशी करी गई है। ये इधर इसकी दीवारें आप देख सकते हो। दोस्तों कितना टाइम लगता होगा इनको बनाने में और कितने कुशल कारीगर रहते होंगे जिन्होंने इनको बनाया। उस समय कोई मशीनें नहीं थी, कोई सीएनसी मशीन टाइप की उस तरह की कोई टेक्निक नहीं थी, इनको हाथों से ही काट करके बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं ये इसके पिलर्स। यहाँ अनूप तालाब के पास में ये जो इमारत है ये अकबर का महल है और इसी के अंदर अकबर का बेड भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये जो आप एक बड़ा सा टब नुमा ये आप पॉट देख रहे हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसको कहते हैं कि इसमें गंगा जल स्टोर करके रखा जाता था।
क्योंकि गंगा नदी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पर तो पास में यमुना नदी पड़ती है, लेकिन गंगा जल इसमें स्टोर करके रखने के लिए इस पॉट को बनाया गया था। और ये आप देखो बाहर की तरफ से अकबर का महल, और इधर एक ये बड़ा सा रूम बना हुआ है आप देख सकते हो। और इधर अब हम अकबर जहाँ पर सोया करते थे वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इधर से रास्ता है, ये आप देख सकते हो। ये एक दरवाज़ा इधर लगा हुआ है जो कि बंद है, और इधर आप ये देख सकते हो ये अकबर का बेड हुआ करता था, इस पर जलालुद्दीन अकबर सोया करते थे। ये आप देखो ये पत्थर का बना हुआ है, इसी के ऊपर उनका बिस्तर होता था। और नीचे यहाँ पर बताते हैं कि गुलाब जल भर दिया जाता था ताकि उसकी खुशबू ऊपर तक जाती रहे, यहाँ पर खुशबू पूरे इस रूम में फैली रहे। और इधर ये आप देख सकते हो जालियाँ बनी हुई हैं जिनसे रोशनी और ठंडी हवा आ सके, और इसके ऊपर सीढ़ियाँ लगाई जाती थी, सीढ़ी लगाई जाती थी जिससे अकबर ऊपर चढ़ जाते थे और फिर उसके बाद वो सीढ़ी हटा ली जाती थी ताकि कोई भी ऊपर आसानी से ना पहुँच सके। और यहाँ पर जो ये पिलर्स हैं आप उन पर देखो किस तरह की नक्काशी है। तो ये है भाई अकबर का सैनगच्छ। और इधर की आप ये इमारत देखो कुछ इस तरह से निर्मित है। यहाँ पर आपको अकबर का महल और उनका सैनगच्छ दिखाई दिया, और ये बरामदा देखो, इस बरामदे से यहाँ पर एक ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे के ज़रिए हम जाएंगे, और इस बरामदे की जो ये छत है इसके ऊपर से रास्ता है पंचमहल तक जाने का। और ये देखो यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, और इस दरवाजे को लॉक कर दिया गया सरकार के द्वारा, अब ऊपर नहीं जा सकते। और इसी इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर इस बरामदे की जो छत है ऊपर से रास्ता है, सम्राट अकबर जाया करते थे और इस पंचमहल के ऊपर वहाँ तक पहुँचते थे। इस पंचमहल को हम बाहर से दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये मरियम का महल है। तो ये आप इमारत देखो, इसके अंदर यहाँ पर जो पेंटिंग है वो भी उसी समय की है जब सम्राट अकबर यहाँ पर शासन करते थे। और यहाँ पर आप देखो यहाँ की तमाम सारी जो चित्रकारी थी वो मिट गई है, फिर भी कुछ हल्के फुल्के कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और इसके अंदर का ये आप सीन देख सकते हो कुछ इस तरह से बना हुआ है। और इसके ऊपर वाले मंजिल पर भी जाने के लिए यहाँ से रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ स्टेयर्स बनी हुई हैं। ये मरियम का महल, और इस महल के पास में वहाँ पर आपको एक जो रूम दिख रहा है वो किचन हुआ करता था। उस समय नॉनवेज खाना जो अकबर के लिए बनता था वो इसी किचन में बनता था। और इधर आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये जोधा बाई का किचन हुआ करता था। और इस पूरी बिल्डिंग में आप देखो कितनी गजब की नक्काशी है। तो यहाँ पर पूरी तरह से वेजिटेरियन खाना बनता था, और सामने वाले किचन में नॉन वेजिटेरियन खाना बनता था। और इसमें वेजिटेरियन खाना इसलिए बनता था क्योंकि जो जोधा भाई थी वो वेजिटेरियन थी, वो नॉन वेज नहीं खाती थी। और यहाँ पर आप देखो झुमकी के डिज़ाइन बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो कान में झुमके पहने जाते हैं उनकी डिज़ाइन बनी हुई है, और बताते हैं कि 156 तरह के ये डिज़ाइन हैं झुमके के। और इसकी पूरी दीवार पर आप देखो गजब की नक्काशी है, ये पारसियन आर्किटेक्चर का नमूना है, ये देखो आप। ये है जोधाबाई की रसोई, और इस रसोई के सामने इधर है जोधाबाई का महल। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का ये नमूना है, इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का इसमें
प्रयोग किया गया है इस बिल्डिंग को बनाने में, इस महल को बनाने में। यहाँ पर आप ये जो नीचे यहाँ पर खिड़कियाँ देख रहे हैं, ये हिंदू आर्किटेक्चर का नमूना है, और ऊपर ये जो गुंबद बने हुए हैं ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना है। अब हम इस महल के अंदर चलेंगे। ये इस महल के अंदर जाने का गेट है, ये देखो आप, और इसके गेट के ऊपर ही आप देख सकते हो नक्काशी है, और ये यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं। अब हम आ चुके हैं जोधाबाई के महल के अंदर। ये सामने की जो इमारत है ये जोधाबाई का मंदिर हुआ करता था, और बीच में ये यहाँ नीचे जो पौधा लगा हुआ है ये वाला, यहाँ पर तुलसी का पौधा हुआ करता था जिसमें जोधाबाई आकर के जल चढ़ाया करती थी प्रतिदिन। और ये सामने जो मंदिर है ये हम आपको दिखाते हैं, फिर कहाँ पर जोधाबाई रहती थी वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखो आप, ये भगवान श्री कृष्ण की वो उपासक थी, और उनका यहाँ पर मंदिर उन्होंने बनवाया था। और जब अकबर और जोधाबाई की शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था, तभी जोधाबाई ने कुछ शर्तें रखी थी कि मैं कभी इस्लाम को ग्रहण नहीं करूँगी, मैं हिंदू धर्म को ही मानती रहूँगी। तो अकबर ने स्वीकार करा, और उन्होंने कहा कि हमें एक मंदिर बनवा करके देना पड़ेगा जहाँ पर मैं पूजा अर्चना किया करूँगी। तो अकबर ने जोधाबाई के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये देखो, इस महल के अंदर ये मंदिर है, और यहाँ पर पहले भगवानों की मूर्तियाँ हुआ करती थी। ये जो आप आर्च देख रहे हैं इनके अंदर भगवानों की मूर्तियाँ हुआ करती थी, और ये जो इधर कच्छ बने हुए हैं इनके अंदर पूजा का सामान रखा जाता था। और इधर आप जितनी भी यहाँ पर देख सकते हैं ये अलमारियाँ हैं, इनमें भगवानों की कीमती मूर्तियाँ हुआ करती थी। और बीच में ये जो चबूतरा है, यहाँ पर इस अलमारी में जो मुख्य भगवान होते थे उनकी यहाँ पर प्रतिमा थी। और इधर भी एक रूम आप देख सकते हो, और ये देखो ये अलमारियाँ, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये घंटी का चित्र बना हुआ है, और नीचे ये फूल और ये तिलक, और नीचे ये आप देख सकते हो शंख बने हुए हैं। तो ये जोधाबाई महल के लिए ये प्रवेश द्वार है, और इसकी कोनों पर आप देख सकते हैं ये दो मंजिला कमरे बने हुए हैं। जहाँ पर ये गुंबद है यहाँ पर दो मंजिला कमरे हैं, और ये चारों कोनों पर ये रूम बने हुए हैं। इधर सामने की ये जो इमारत है ये जोधाबाई के लिए मंदिर था, और ये वाला जो पैलेस बना हुआ है ये समर पैलेस हुआ करता था, और इसी के सामने इधर बना हुआ है विंटर पैलेस। और ये दोनों ही बिल्डिंगें एक तरह की हैं, लेकिन विंटर पैलेस जो है इसमें पीछे खिड़कियां नहीं लगी हुई हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना सके, और ये जो समर पैलेस है इसमें पीछे खिड़कियां लगी हुई हैं, और ये भी दो मंजिला है। यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं, और ये दो मंजिला है, इसके पीछे की साइड में खिड़कियाँ लगी हुई हैं जिनसे ठंडी ठंडी हवा आती थी। आप देख सकते हो ये जोधाबाई महल के अंदर आने के लिए मुख्य द्वार है, और इसकी छत पर जाने के लिए यहाँ पर सामने आप देख सकते हो स्टेयर्स बनी हुई हैं जिन्हें जालियों का गेट बना करके बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर भी इधर भी कई सारे रूम बने हुए हैं, और जितने भी यहाँ पर महल हैं उनमें सबसे बड़ा ये जोधाबाई का महल है, क्योंकि जोधाबाई अकबर की सबसे प्रिय रानी थी। इस समय हम हैं जोधाबाई के महल के बाहरी ओर साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं आपको अंदर से बता रहा था विंटर पैलेस और समर पैलेस, तो इधर का जो हिस्सा है ये समर पैलेस है, और यहाँ पर ये जो जालियाँ लगी हैं इन्हीं जालियों से होकर के अंदर एयर जाया करती थी, और यहाँ पर भी उनके बैठने का रहने का स्थान बना हुआ है, तो इन जालियों से एयर ठंडी होकर के अंदर जाती थी, इसलिए इसे रानी जो है वो गर्मियों के मौसम में यूज किया करती थी, यहाँ पर गर्मियों के मौसम में रहा करती थी। और इसके सामने वाला जो रूम था, सामने वाली जो बिल्डिंग बनी थी, सामने वाला जो महल बना था, वहाँ पर वो सर्दी के मौसम में रहा करती थी। और नीचे आप देख सकते हो ये खूबसूरत सा बरामदा बना हुआ है,
और कुछ इस तरह से यहाँ का आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। तो आप ये जो इमारत देख रहे हैं इसे हरम सरा का उत्तरी महल या बीरबल का महल के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर अकबर की दो वरिष्ठ रानियाँ रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम यहाँ पर निवास करती थी। और ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है, बाहर से अगर आप इसको देखेंगे तो हर तरफ नक्काशी है और अंदर इसकी छतों पर भी नक्काशी है। ये दो मंजिला इमारत है। इस महल में नीचे चार कमरे हैं और ऊपर दो गुंबदी कमरे हैं, यानी कि उन कमरों के ऊपर गुंबद बना हुआ है। और इसकी दीवारों पर हो चाहे छत पर हो, हर जगह आप देखोगे बहुत ही गजब की बहुत ही बेहतरीन नक्काशी है, ये देखो आप। और इसके अंदर चल कर के हम आपको दिखा दें, इसका आप छज्जा देखो, छज्जे को मजबूती देने के लिए किस तरह से पत्थर लगाए गए हैं और इन पर कितनी बारीक डिज़ाइन है, यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो। और ये छत में आप देखो, यहाँ पर भी तमाम सारे फूल बने हैं। और ये आप नीचे द्वार देख सकते हैं, पहले इनमें जालियाँ लगी होती थी लेकिन अब जालियाँ नहीं हैं। और ये नीचे यहाँ पर चार कमरे इस तरह से बने हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि इनको बनाने में कितना वक्त लगा होगा। इन पर जो नक्काशी है उसको बनाने में, उसको तामीर करने में कितना ज़्यादा समय लगता होगा। और दोस्तों, कारीगरों की कुशलता तो तारीफ़ काबिल है। और ऊपर की छत आप देखो, ये देखो छत भाई, ऐसी नक्काशी है कि क्या बताएं, बहुत ही गजब की। और नीचे आप देखो, यहाँ पर छत के थोड़ा सा नीचे कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है। और ये यहाँ पर जो गेट हैं, यहाँ पर जो द्वार हैं, उनमें कुछ इस तरह की नक्काशी करके इनको सजाया और संवारा गया है। और यहाँ पर आप देखो, ये अलमारियाँ कुछ इस तरह की बनी हुई हैं। और इधर का आप ये सीन देख सकते हो। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये दरवाज़ा है जिसके ज़रिए ऊपर जाया जा सकता है। इसमें अभी ताला लगा हुआ है और ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। योधाबाई के महल के पीछे इधर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे कहा जाता है कि ये अस्तबल रहा होगा, यहाँ पर घोड़े बांधे जाते रहे होंगे। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ स्टोन के छल्ले इस तरह से बने हुए हैं। और ये तमाम सारी अलमारियाँ हैं, ये देखो, ये सारे छल्ले लाइन से लास्ट तक बने हुए हैं और दोनों तरफ ये छल्ले हैं। और पीछे वहाँ पर एक गेट है जो कि जोधाबाई के महल की ओर खुलता है, अंदर की तरफ। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये उस समय मीना बाज़ार हुआ करता था। यहाँ पर बाहर की औरतें और लड़की आया करती थी जो कपड़े और ज्वेलरी का मार्केट यहाँ पर लगाती थी, यहाँ पर दुकानें लगाती थी। तो ये उस समय का मीना बाज़ार हुआ करता था, यहाँ पर रानियाँ आकर के ख़रीदारी किया करती थी। रानियाँ और जो दासियाँ होती थी वो इसी बाज़ार से, इसी मार्केट से ख़रीदारी करती थी। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो रानी रुकैया बेगम थी उनका ये स्नानागार है। तो यहाँ पर ये उनका हमाम हुआ करता था जहाँ पर वो स्नान किया करती थी। और चारों तरफ से ये आपको ओपन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जब वो आती थी स्नान करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ से, ये इधर भी सीढ़ियाँ बनी हुई, उधर भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब रानी यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी तो उनकी दासियाँ यहाँ पर पर्दे लेकर के खड़ी हो जाया करती थी। तो ये है रानी का शाही हमाम। इस पूरे पार्क में सम्राट अकबर के समय में यहाँ पर गुलाब और चमेली के पौधे हुआ करते थे जिनकी फूलों की सुगंध इस पूरे महल में फैल जाती थी। और यहाँ पर आप सामने ये जो इमारत देख रहे हैं, ये पांच मंजिला इमारत है, इसे पंच महल के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 176 खंभे हैं और हर ऊपर की इमारत हर नीचे की इमारत से छोटी है। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर सिर्फ और सिर्फ चार पिलर्स पर एक गुंबद बना हुआ है
और वो छतरी है। वहाँ पर सम्राट अकबर बैठते थे और यहाँ से भीनी भीनी सुगंध फूलों की ऊपर तक जाती थी और इस पूरे महल में फैली रहती थी। महल के ऊपर की ये जो छतरी है, यहाँ पर कभी कभी सम्राट अकबर शाम के समय में गर्मियों के दिनों में बैठा करते थे। दोस्तों, आपने फतेहपुर सीकरी के ये सारे महल देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।